पद्मावत मूवी की मिस्टेक्स बताई गई हैं, जो कि एक्टर और प्रोडक्शन ने की है, ना कि हिस्ट्री की स्टोरी में है, और मेरी इतनी औकात भी नहीं कि हिस्ट्री की स्टोरी को डिस्कस भी कर सकूं। तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, आई रिपीट, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है। तो चिल्की गोली लेकर इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो अगर सब कुछ हो गया है तो मैं शुरू करूं। एक कोने में जो बैठा सत्ता मुझे वो देखी थी, वो पद्मावती की मिस्टेक्स फनी, फिर हौली हौली जाके मैंने वीडियो देखी, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च मोबाइल, मोबाइल च वीडियो में लाइक की, फिर हौली हौली वीडियो ने शेयर भी किया। कर लो शेयर, थोड़ा कर लो शेयर, कर लो सब्सक्राइब, थोड़ा कर लो सब्सक्राइब, कर लो शेयर, थोड़ा कर लो शेयर, पद्मावती की मिस्टेक्स को। इस सीन में दीपिका अपनी मिडिल फिंगर पर काजल लगाकर शाहिद के कान के नीचे लगाती है। अब भाई काजल लगाती है, उल्टा मतलब ना ले लिया करो, पर अगर हम गौर करें तो इसकी उंगलियों पर तो कोई कालक लगी ही नहीं जो कान के नीचे लगा रही है, बल्कि अंगूठे पर लगी है कालक, पर अंगूठा तो उसने आंख पर लगाया ही नहीं। ऊपर से जिस अंगूठे पर काजल लगाया वो शाहिद कपूर को भी नहीं लगाती, तो जो इसने किया क्यों किया, एक्सप्लेन प्लीज। इस सीन में दीपू शाहिद कपूर के इस गाल पर लाल रंग लगा रही है। हाउ रोमांटिक ना, पर वेट, इसने तो सिर्फ इस गाल पर रंग लगाया था। तो जब शाहिद कपूर झूला लेकर वापस आता है तो दूसरे गाल पर बिना लगाए रंग कैसे लग गया, जादू। और अब दीपू इसके मुंह पर ये रंग फेंक रही है, और ये सूखा रंग है जो पाउडर फॉर्म में है, पर जब कैमरा नीचे जाकर ऊपर आता है तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसके फेस पर दीवार पर पेंट करते हुए बर्जर पेंट गिर गया हो, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म वाला पेंट नहीं है। और जब दीपू ने ये पेंट लगाया था तो फेस पर देखो लाइट कलर के पिंकिश कलर है और पाउडर फॉर्म में रंग था, पर जब कैमरा जूम मारता है लास्ट में तो वो रंग ऐसा हो गया जैसे गीला रंग हो और कलर भी डार्क हो गया। इस सीन में अगर हम गौर करें तो ये सूखा रंग लेकर शाहिद कपूर के पास आई है, और शाहिद ने उसमें हाथ लगाकर इस कपड़े पर लगा रहा है, पर ये हाथों के निशान तो गीले रंग के हैं। ऊपर से एक बार हाथ रंग में लगे हैं, और ये तो कपड़े पे जैसे प्रिंटिंग प्रेस ही शुरू हो गई हो, इतने ज्यादा निशान लगा दिए सिर्फ एक बार हाथ रंग में लगाने से। सीन में दीपू की एंट्री हुई है तो इन सबके हाथों में थालियां हैं, पर जैसे कैमरा साइड से आता तो उनके हाथों से थालियां गायब हो जाती हैं, और सर पर देख लो क्या आ जाता है। इस सीन में दीपू घूमर गाने पर डांस कर रही है, पर यार ये 1303 एडी की स्टोरी है और ये इतनी बड़ी जगह है तो ये गाना लगा किस पर है, हम इनको स्पीकर पर लगाया जो इतनी दूर तक आवाज आ रही है, पर 1303 में तो स्पीकर होते नहीं थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पद्मावती खुद गा रही होगी ना गाना, तो यार इतनी दूर तक इसकी अपनी आवाज कैसे जा सकती है, इन्होंने क्या गले में स्पीकर फिट किया। इस सीन में कुछ ज्यादा ही हो गया क्योंकि ये लड़की अकेली नाची जा रही है और वो भी बिना म्यूजिक, ये सारे ऐसे खड़े हैं जैसे नेशनल एंथम बज रहा है, और बिना म्यूजिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं कोई ढोलकी नहीं बज रही, या आपको कहीं कुछ लगा नजर आ रहा है, नहीं ना, तो फिर ये साइलेंट ही लगी हुई है ना। इस सीन में दीपू इधर से आराम से शाहिद के पास आ सकती है, पर आगे से घूम कर आती है ये हेलमेट पहनाने, लगता है हर काम घूमर 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 घूम के करती है। इसी में रणवीर सिंह के हाथ में फूल को गौर से देखे, ये प्लास्टिक का फूल है और वो साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये फिर प्लास्टिक के फूल में सूंघ क्या रहा था, क्या इसने फूल पर परफ्यूम लगाकर हमें फूल बनाना चाहा, एक्सप्लेन अस प्लीज। और ये तो स्टार्टिंग के सीन में दिखा दे कि ये चिरकुट रणवीर को उठा कर लेके आ रहे हैं, तो ये क्या इनका रोज का काम होता होगा, इसे पता चलता है कि बच्चों पढ़ो लिखो, नहीं तो ऐसे किसी के नीचे लगना पड़ेगा। इस सीन में जब दीपू शाहिद की पगड़ी में सुई धागा डाल रही है तो पीछे बैकग्राउंड में छोटे से तालाब को देखो, यहाँ भूकंप यानी अर्थ कोई आया है जो ये पानी हिल रहा है, या इन्होंने खुद पानी को पहले हिलाया फिर पगड़ी को सुई में डाला। कच्चा गोश्त खा रहा है पर खाई जा रहा अंदर नहीं लेके जा रहा, पर मुझे ये गोश्त खाने से ज्यादा ये इमरान हाशमी लग रहा है। कभी मेरे साथ, अरे डंडा उठाने के लिए इतने लोग इतनी जान मार रहे हैं, एक डंडा, ये डंडा इतना हैवी है कि इतने लोग आ गए उठाने, वेल मैं फ्लैग कह सकता था पर मेन वेट तो डंडे का ही होता है ना। और ये मौलवी क्या कर रहा है, ये क्या इन लोगों को धक्का मार रहा है ये डंडा उठाने में, एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में अलाउद्दीन सुल्तान बना हुआ है और खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून कर रहा है, पर अगर हम पीछे देखें तो यहाँ लोग बहुत कम है, मतलब एक ये लाइन है और एक इनके पीछे है और उससे पीछे कोई नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है। पर जैसे कैमरा ऊपर का एंगल दिखाता है तो यहाँ तो रश लगा होता है और पहले सिर्फ दो लाइनें होती हैं और अब तो काफी ज्यादा हो जाती हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फिर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना।